हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप में से काफी लोगों को एक मैसेज आ रहा होगा जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मैसेज किया है। दोस्तों, कुछ इस तरह का मैसेज आपको आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं 31 जनवरी के बाद में दोस्तों ये आपसे क्या चार्ज लेने वाला है। आप लोगों को कुछ लोगों को अंदाजा हो गया होगा, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा। तो आप सबके लिए वीडियो है, जिन लोगों का लोन एक्टिव है और जिन लोगों ने अप्लाई किया है या जिन लोगों ने अभी भी दोस्तों जस्ट अभी आपने इंस्टॉल किया है, वो उन सबके लिए है। दोस्तों, ये किसी नए और पुराने यूजर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए दोस्तों कंडीशन अप्लाई है। अगर धनी एप्लीकेशन को आपने 3 महीने तक नहीं यूज किया दोस्तों, तो हर महीने दोस्तों आपको ₹200 पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि आपके डायरेक्ट बैंक से दोस्तों डेबिट हो जाएगी। आप कोई मैसेज नहीं दिया जाएगा कि आपके अकाउंट से ₹200 किस चीज के काटे जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं अगर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप धनी एप्लीकेशन को यूज नहीं करते, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, तब ये आपको ₹200 पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों, काफी लोग, मैं जानता हूँ काफी लोग अभी भी नहीं यूज करना चाहेंगे, और जो लोग यूज करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर लोन आपने अप्लाई कर दिया तो आप लोग को ट्रांजेक्शन नहीं करना होता है दोस्तों, को डायरेक्ट बैंक से डेबिट हो जाता है। तो आप लोग को ये यूज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है कि अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपको ₹200 पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों, काफी लोगों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, तो दोस्तों मैंने खासकर कॉल रिकॉर्डिंग भी कस्टमर केयर की रखी है, जो कि आपको लास्ट में सुनने को मिल जाएगी। आप लोग पूरी सुनिएगा कि वो क्या बोल रहा है और किस तरह से आपके पैसे कटेंगे। ये दोस्तों आपके डायरेक्ट बैंक से पैसे कट जाएंगे, अगर आपके वॉलेट में होंगे तो वहां से भी कट जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग को दोनों में अगर नहीं हुए तो दोस्तों आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, और ब्लॉक तभी होगा दोस्तों जब आपने अपने बैंक से ईसीएच रुपए कैंसिल करवाई होगी, तो वरना नहीं होगी तो दोस्तों आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये धनी एप्लीकेशन लूटेगी। तो दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले और प्रूफ देने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट में आप तक पहुंचाता रहूं। चलिए अपने चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, और दोस्तों आप लोग को सुना दूं कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग। जी सर, बताइए। इसमें आपका फी डेबिट होगा अकाउंट से, आपके वॉलेट से। ठीक है, क्या होता है अगर आप 3 महीने तक ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है, तो आपको या तो कोई ट्रांजेक्शन कर लीजिए आप अपने अकाउंट से, ठीक है, या फिर आपका इसमें से इसका आपका फी डेबिट होगा। कितना डेबिट होगा? ₹200 से, ₹200 आपका वॉलेट से ही हो जाएगा। वॉलेट में अगर होगा तो आप एक काम करिए, कोई छोटा सा रिचार्ज कर लीजिए, कोई ट्रांजेक्शन कर लीजिए, फिर कुछ नहीं होगा। जैसे मैं ना पे करूँ इसको, तो पे नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से ब्लॉक होगा ना, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? बाद में दोबारा से पैसा कटेगा ना, जब भी आप ओपन करेंगे उसको। अरे एक्चुअली मैं सुनिए मेरी बात, आप, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैंने इस एप्लीकेशन पे काफी काम और रिसर्च किया है, और जिससे पता चला ये काफी सारा फ्रॉड कर रही है। इस वजह से मैंने कंफर्म करने के लिए मैसेज दिखवाया था आपको, मेल भेजा था कि ये क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो आप कह रहे ₹200, ये कोई टर्म एंड कंडीशन में नहीं होता है, किसी भी कंपनी में नहीं होता है कि आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आपसे चार्ज लिया जाएगा, पहली बात तो। और उसके बाद में जो धनी क्रेडिट लाइन का जो इस समय फ्रॉड चल रहा है, उस पर भी मैंने नजर आ रही, मेरे साथ में फ्रॉड हुआ था। एक्चुअली में मेरा जो फ्रॉड हुआ था, मैंने 28 तारीख को पेमेंट पे की थी, फिर भी वो अपडेट नहीं हुई। मैंने फिर भी जितनी पेमेंट थी मैंने पे कर दी, मुझे नहीं चाहिए थी वो क्रेडिट लाइन की जो भी लिमिट थी। और कुछ दिन आप मेरा अकाउंट ब्लॉक करेंगे तो इसमें मुझे ही बेनिफिट है, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। मैंने ये सिर्फ आपकी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए और क्या आप बता रहे हैं इसके लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। थैंक यू वेरी मच। कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं।